नालंदा जिले के बिहार शरीफ में हुए हिंसक झड़प के बाद डीजीपी आरएस भट्टी स्थिति का जायजा लेने बिहार शरीफ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में उपद्रवियों से पूछताछ की। इस दौरान एसपी ने एक बार फिर से लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग शांति बनाकर रखें, अफवाहों से दूर रहें। कुल 77 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इंजर्ड थे, एक व्यक्ति हुई है और पहले 14 लोगों की इंजर्ड थे, वो सभी ठीक हैं। तो जो दो लोग कल इंजर्ड हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। गिरफ्तारियों की संख्या, गिरफ्तारी की संख्या 77 है। आज भी गिरफ्तारियां की जाएंगी, लगातार रेल छापामारी चल रही है। डीजीपी आए हैं, उनका क्या कार्यक्रम है और कब सर आए हैं निरीक्षण के लिए आए हैं, जानने चाहते हैं कि कैसे कैसे घटना हुई है, यही उनका पर्पस है। फिलहाल डिटेल में फिर बाद में आप। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में हुए हिंसक झड़प के बाद डीजीपी आरएस भट्टी स्थिति का जायजा लेने बिहार शरीफ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में उपद्रवियों से पूछताछ की। इस दौरान एसपी ने एक बार फिर से लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग शांति बनाकर रखें, अफवाहों से दूर रहें। कुल 77 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इंजर्ड थे, एक व्यक्ति हुई है और पहले 14 लोगों की इंजर्ड थे, वो सभी ठीक हैं। तो जो दो लोग कल इंजर्ड हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। गिरफ्तारियों की संख्या, गिरफ्तारी की संख्या 77 है। आज भी गिरफ्तारियां की जाएंगी, लगातार रेल छापामारी चल रही है। डीजीपी आए हैं, उनका क्या कार्यक्रम है और कब सर आए हैं निरीक्षण के लिए आए हैं, जानने चाहते हैं कि कैसे कैसे घटना हुई है, यही उनका पर्पस है। फिलहाल डिटेल में फिर बाद में आप। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में हुए हिंसक झड़प के बाद डीजीपी आरएस भट्टी स्थिति का जायजा लेने बिहार शरीफ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में उपद्रवियों से पूछताछ की। इस दौरान एसपी ने एक बार फिर से लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग शांति बनाकर रखें, अफवाहों से दूर रहें। कुल 77 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इंजर्ड थे, एक व्यक्ति हुई है और पहले 14 लोगों की इंजर्ड थे, वो सभी ठीक हैं। तो जो दो लोग कल इंजर्ड हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। गिरफ्तारियों की संख्या, गिरफ्तारी की संख्या 77 है। आज भी गिरफ्तारियां की जाएंगी, लगातार रेल छापामारी चल रही है। डीजीपी आए हैं, उनका क्या कार्यक्रम है और कब सर आए हैं निरीक्षण के लिए आए हैं, जानने चाहते हैं कि कैसे कैसे घटना हुई है, यही उनका पर्पस है। फिलहाल डिटेल में फिर बाद में आप।